क्या है मर्यादा का, क्या है लाज धर्म, सब में थी, छोटा में बड़ा में स्त्री में पुरुष में सब में लाज धर्म थी। पिलाने के नानों में तो नहीं, तो माँ बाप के हमें बड़ी छोटा से तोकता नहीं था, अति हरम थी। यहाँ तक की छोरी जिनके नानो भी और पियर में, तो वह भी सबके हमें बड़ी छोड़ा ने ज्यादा तो मालूम है, सब तो कोवरा है खिलावरा है नानो, अति मर्यादा था। बड़ी छोड़ा के अगर मान लो नानो भी हो तो एक टोकी में कुछ घूमता नहीं था काम में, हरम की मर्यादा थी, अति लाज हरम थी। और आज यह स्थिति है करके नानो वही जन साल छह महीना को गया नाना ले आया तो कहीं कह रहा मालूम तो की न खाक में ले न आका काम में आका काम में घूम आया आका काम में हरम राज तो ही कोनी का सब फूटे टांगी मेरी वाली अनाज के नानो यो बाकी अबादत तो जनवा साहब करके नानो ही तो अनाज की हो फिर हरम क्या है सब फूटे टांगी मेरी कोई शर्म नहीं कोई लाज नहीं कोई मर्यादा नहीं कभी बाप के हमें आंखा के आंखा नजर मलिन देख कभी पिताजी अगर कहीं बोलता नहीं तब तब आंखा में आंसू पड़वा लग जाता नीचे बोल दो अति मर्यादा लाश थी। यह स्थिति थी कि बेटों के बोलने में अगर बाप बोलवा रह जा तो बेटो चुप चुप कोई जाता हो न आज उल्टो सिस्टम है आज बेटो बोलवा लग जा तो बाप ने चुप रहना पड़े बाप ने बंद रहना पड़े ताकि माजना का काफरा हो जाए लोगों के हमें माजना का काफरा हो जाए। क्या है मर्यादा क्या है लाज क्या है हरम पहला साइकिल चलती थी साइकिल पे अपने पत्नी ने बेवाड़ी ने खाचरो ले गया तो कतली मर्यादा थी मने नहीं देता थे मांगने चलो नदी पार वे नदी पार जाता यदि साइकिल ले जाता माती साइकिल पे बेवाड़ी ने खाचरो ले जाता खाचरो दी पर साइकिल पे बेवाड़ी निकल जाता तो मान लो यहाँ खाचरो ले रहा है साइकिल पे बेवाड़ी साइकिल चलाता ले रहा है न रोड पे ले रहा न कोई अपना काम का दाना मनक नजर आई जाता अरे चलो चलो पास है माती साइकिल चलो साइकिल में नीचे उतार देता बड़ा घर वाली कपड़ा वाली निकाली बज जाती फिर बादशाह बाजी से चल जाता फिर साइकिल पे बेवाड़ी वापस चल जाता ने आकर के खास होती तो आज नदी को आज काम करने जुटा था अत्रि भरम थी अत्रि मर्यादा थी अत्रि लाज रम थी पहला ने आज आज घर वाली ने बेवाड़े की तो घर में थी मोटरसाइकिल पे काम कहीं बाजार में पग देगी तो उनका फूल खरीद फूल खरीद डायरेक्ट घर के थी मोटरसाइकिल पे बाजार में चाहे तो फूल खरीद फिर आपके यहाँ तो सुन नहीं भेज दो पर मर्यादा क्या है लाज हरम क्या है सब फूटे टाके थे कोई लाज नहीं कोई मर्यादा नहीं कोई शर्म नहीं छोटे ने बड़े ने स्त्री ने पुरुष ने सबने अपनी मर्यादाओं का परित्याग कर दिया कोई मर्यादा नहीं बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बड़ों के सामने गुरु के सामने ब्राह्मण के सामने कैसे रहना कैसे बोलना सब मर्यादा खत्म कोई बड़े बुजुर्गों की मर्यादा नहीं कोई लाज शर्म नहीं काहे लाज शर्म अरे हरम तो दाना दाना मनका ने करनी पड़े इनी हरम आपा दाना दाना मनका ने हरम करनी पड़े हाथ में बड़ा तो बहुत था तो यहाँ मर्यादा बिल्कुल समाप्त आज कथा में बहुत ही सुंदर प्रसंग आया है मैं पर पुरुष के साथ एक आसन पर कैसे बैठूं मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए सची इंद्र की पत्नी सची सती सती भगवान बोलेगा सची इंद्र भगवान की कैसे बैठे सची ने विचार किया फिर उपाय भगवान से प्रार्थना करके और क्या कहा सची ने नारद जी ने उपाय बताया वही किया सची हे नहुष नाम के राजा सूचना पहुंची हे नहुष नाम के राजा आप मुझे बुला रहे हो कि आसन पर आकर बैठो
पहले सचिन ने सोचा कि अगर जैने बहू तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, नहीं बहू तो राजा की आज्ञा को उल्लंघन में पाप लगेगा। तो क्या कहा है कि हे नरसिंह के राजा, आप रथ लो, ये सात घोड़े आपके रथ में, उन सातों घोड़ों को अलग कर दो, उन सातों घोड़ों की जगह जवान ब्राह्मण को रथ में जोड़ो और रथ लेकर मेरे महल के पास आओ, तो मैं उस रथ में बैठकर जाऊंगी और उस सिंहासन पर बैठूंगी। राजा ने कहा शर्त मंजूर है। राजा ने रथ के घोड़ों को अलग किया और पृथ्वी से जवान जवान ब्राह्मणों को बुलाया, सात ब्राह्मण जवान जवान युवा ब्राह्मण आ जाओ बुलाए। ब्राह्मणों ने सोचा कि नया नया राजा होने कई दान दक्षिणा देगा, खड़िया ने अंगोछा थेलिया ने लिख गया कहीं माता।